Assalamualaikum, मैं हूँ बतूल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं YouTube फैमिली उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की ब्रेकफास्ट रेसिपी। आज मैं आपके लिए ग्रीन ऑमलेट रेडी करूँगी, हरी मिर्चों का ऑमलेट। नॉर्मल ऑमलेट से बिल्कुल डिफरेंट है। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। और इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया अंडे, एग्स मैंने यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे तकरीबन 4, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें मुझे चाहिए होंगी 5 से 6 अदद, सॉल्ट मैं यहाँ पे लूँगी 1 टीस्पून, हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर मुझे चाहिए होगा 1/4 कप, घी, बटर ऑयल मुझे चाहिए होगा 1/2 कप, प्याज चॉप्ड है, अनियन, ये मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसको चॉप कर लिया, बिल्कुल छोटा छोटा सा आपने चॉप करना है इसको। आइए बनाना शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें मैं अंडे डाल ली हूँ, 4 अंडों का मैं आज ऑमलेट रेडी करूँगी, ग्रीन ऑमलेट। बीट करेंगे इसको अच्छी तरीके से, किसी भी हैंड बीटर की मदद से या किसी भी फोक की मदद से आपने इसको बीट करना है। इसको बीट करेंगे 1 से 2 मिनट्स तक, आपने इसको अच्छी तरीके से बीट करना है। ये बीट हो गया। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप कर लिए, 5 से 6 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी वो डाल रही हूँ, प्याज चॉप्ड है, मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी इसको चॉप कर लिया, हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप। अब इसको मिक्स करेंगे, किसी भी फोक की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। ये जी मिक्स हो गया, इसको साइड पे रखेंगे। अब आपने एक पैन लेना है, उसमें मैं बटर ऑयल डाल रही हूँ, घी 1/2 कप घी डालेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है क्योंकि ओला ऑमलेट, ग्रीन ऑमलेट बिल्कुल लो फ्लेम पे बनेगा। घी को आपने गर्म होने देना है अच्छी तरीके से, लाइट सा घी गर्म होगा बिल्कुल। ये देखिए जी घी गर्म हो गया। अब मैं इसमें एग का जो मिक्सचर रेडी किया वो डालेंगे। अच्छी तरीके से फैला लेंगे इसे। 1 से 1.5 मिनट बाद आपने इसको इस तरह से मैश करना शुरू कर देना है, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। याद रहे ऑमलेट बिल्कुल लो फ्लेम पे बनेगा, हरा धनिया और हरी मिर्चों का ये ऑमलेट है, ग्रीन ऑमलेट, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट्स तक कुक करेंगे। ठीक है जी, ऑमलेट रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीन ऑमलेट रेडी है, इसको ब्रेड के साथ सर्व करें, इसको पराठों के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़े का ग्रीन ऑमलेट आज रेडी हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। चलिए जी, मैं इस ग्रीन ऑमलेट को ब्रेड के साथ एंजॉय करती हूँ, आप भी अपने घरों में बना के एंजॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।